हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिनी। यू वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगर एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे क्रेटा, जो राजस्थान से स्पेशली आई है, राजस्थान के भी बल्कि आगे से अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर का सफर तय कर आई है, एक से एक जबरदस्त काम कराने के लिए। ऑडियो की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट काम किया है। इंटीरियर की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट काम किया है। रियर में आर्मरेस्ट लगाया, एम्पलीफायर लगाया, पूरी कार को डैम किया है, हुंडई के ओरिजिनल पार्ट्स लगाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे इस कार की ऑडियो सेटअप से। इसके अंदर हम लोगों ने पूरा JL ऑडियो का सेटअप किया हुआ है, वूफर्स, स्पीकर्स, एम्पलीफायर हमने दूसरे ब्रांड का लगाया हुआ है, बट जो हमने एंड्रॉयड सीरो लगाया है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। मोको का 6 GB रैम विद 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ऑप्टा कोर प्रोसेसर, 2K वीडियो प्लेबैक, फ्रंट एंड रियर कैमरा इसके साथ फ्री आता है, 2 ईयर्स की इसकी वारंटी आती है, प्लस सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है। एक सिम कार्ड डाल दो, इंटरनेट इनसाइड वाला फीचर आपकी गाड़ी में हो जाएगा। आप चाबी ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली आपके स्टीरियो को इंटरनेट मिल जाएगा, वाईफाई की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मैं तकरीबन कोई 20 से 25 यूनिट लगा चुका हूँ पिछले 2 हफ्ते में, बहुत जबरदस्त एक चीज है। स्पीकर हम लोगों ने इसके अंदर JL ऑडियो के लगाए हैं, C1 सीरीज के। ये भी बहुत एक अच्छे होते हैं, अच्छी क्लैरिटी चाहिए, अच्छी सूदिंग आवाज चाहिए तो आप ये लगा सकते हो। इन सबको हमने ड्राइव किया है 4 चैनल एम्पलीफायर से। मैं आपको उसकी फिटमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे, वो हम लोगों ने यहाँ पर 4 चैनल एम्पलीफायर लगाया है। ऑल द वायरिंग्स आर अंडर द कारपेट, ये बड़ी नीटली करने की कोशिश की जाती है सो दैट, और जितनी वायरिंग अच्छी होगी, जितनी वायरिंग नीटली होगी, वो उतना ही लाइफ उसकी ज़्यादा रहेगी, उतनी ही क्लैरिटी आपको निकल कर आएगी। सब वूफर हमने बूट में लगाया, वो भी JL ऑडियो का ही सब वूफर हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। 10 इंच इसके अंदर आता है, बड़ा कम्पैक्ट है। अगर तो रिजल्ट जो है वो बहुत ऑसम निकल कर आया इसके अंदर। अभी आपको म्यूजिक का भी एक चेक कराएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके OE पार्ट्स के अंदर। इस कार के अंदर ये ई मॉडल कार है, इसमें हमने रूफ रेल्स लगाए हैं, डोर वाइजर्स लगाए हैं, लोअर विंडो गार्निश लगाए हैं, हैंडल क्रोम, डोर गार्ड्स और साथ में साइड बीडिंग। इस कार के अंदर ये ई मॉडल बेसिक है तो इसके अंदर मिरर्स भी बेसिक ही लगकर आए हुए थे। हमने ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स लगाए हैं, डोर पैनल को कट किया हुआ है, प्लस हम लोगों ने इधर वेंट्स लगाए हैं। ये न्यू स्टाइल के वेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जो आप क्रेटा में लगा सकते हो। बड़े ही डिसेंट लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े लग रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि छोटे लग रहे हैं, तो एक डिसेंट वेंट्स है। जो ऑटो फोल्डेबल के हमारे मिरर्स हैं उसको हम लोगों ने क्रेटा के ओरिजिनल स्विच के साथ ही लगाया हुआ है, और एक स्विच की कटिंग किस तरीके से की जाती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर वन टच वाला स्विच है, इसमें हमने वेन्यू का स्विच नहीं लगाया हुआ है। वन टच वाला स्विच है जो हमारे को प्रॉपरली ये वर्क करता है। अब आ जाते हैं इस कार के अंदर हमने जो सरप्राइजेज ऐड किए हुए हैं। इस कार के अंदर ई मॉडल है, रियर पे आर्मरेस्ट लगकर नहीं आता है, तो हम लोगों ने इसमें आर्मरेस्ट फिर रियर सीट में ऐड किया हुआ। एक इतनी दूर से जब गाड़ी आती है हमारे पास तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ ऐसा करके भेजें वो उनको हमेशा याद रहे। ये कार में हम लोगों ने रियर आर्मरेस्ट लगाई हुई है, इसके अंदर रियर आर्मरेस्ट लगकर नहीं आती है। और दूसरा ऑप्शन पीछे की सीट चेंज करो, वो मोटा खर्चा है, 35 से 40 हजार रुपए के बीच में पूरी सीट आती है। हर एक बंदा करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता, बट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो आपको पूरा एक कंफर्ट दे देता है। अगर पीछे मान लो ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है और पीछे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं यहाँ पर ग्लास होल्डर्स भी यूज़ कर सकता हूँ और हमारी आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये पूरी कंफर्टेबल है, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर मेरे को ये नहीं यूज़ करनी तो मैं वापस से इसको बंद कर दूंगा तो मेरी सीट यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। तो एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो आप रियर में आर्मरेस्ट लगाते हो, बट इसके लिए आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम हमारे को देना पड़ता है, फिर जाकर ये आर्मरेस्ट इसमें इंस्टॉल हो सकता है। अब दूसरा सरप्राइज इसके लिए कि इतनी दूर से जब हमारे पास कार आई है तो हम इसमें और क्या करके दे सकते हैं। इस कार के इंटीरियर को हमने पूरी अल्कज़ार वाली थीम बनाई हुई है, ऑटो फॉर्म के सीट कवर्स लगाए हुए हैं, इसमें पूरा हमने टू टोन इंटीरियर किया हुआ है, चाहे वो स्टेयरिंग हो, डोर पैनल्स हो, पूरा लेदर वर्क हमने इसके अंदर किया हुआ है। इस कार के अंदर डोर पैनल्स हम लोगों ने पेंट नहीं किए हुए, हाइड्रोटिप नहीं किए, ये पूरा जो काम है प्योर इसमें लेदर का हमने किया हुआ है। प्योर लेदर नहीं है, ऑटो फॉर्म का ही लेदर है, प्लस डोर पैडिंग्स दी हुई हैं विद द कुशनिंग के साथ। तो एक एक हमारे डोर पैड्स के जो हमने लेदर लगाए हुए हैं इसकी फिट एंड फिनिश आप देखोगे तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पर निकल के आएगी, चाहे वो फ्रंट के डोर्स हों, तो एक फिट एंड फिनिश इसकी बड़ी जबरदस्त यहाँ पर रहने वाली है, एक ओरिजिनल जिस तरीके से होती है, मतलब जो काम होना चाहिए। स्टीयरिंग को भी हम लोगों ने टू टोन ही लेदर डिजाइन किया हुआ है, अप एंड डाउन इसमें हमने टू टोन किया है विद द हॉर्न पैड्स के साथ। स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर्स हमने लगाए हुए हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला डैशबोर्ड है, मीटर हुड है, हमने ये भी लेदर के अंदर ही, जो हमारा ऑटो फॉर्म का लेदर है उसके अंदर ही हम लोगों ने रैप किया हुआ है। ऑटो फॉर्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स जो इंडिया में अभी सीट कवर्स दे रहे हैं और उन्हीं के फैब्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी फिट फिनिश, इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो एक लाइफ है
वो भी बहुत मतलब अच्छी निकल कर आती है। मतलब मेरा खुद का बोलूं तो पिछले कुछ 10 सालों से हम लोग ऑटो फॉर्म के अंदर डील कर रहे हैं और देर इज नो कम्प्लेंट। अगर होती भी है तो पैन इंडिया सपोर्ट है इसका, इससे अच्छी कोई बात होती नहीं है। फ्रंट में अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर फॉग लैंप्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, प्लस हेडलैम्प में हमने एलईडी लगाए हुए हैं। 150 वॉट्स की एलईडी है जो हमने इसके अंदर लगाई हुई है, जस्ट प्लग एंड प्ले होता है। और हुंडई के ही ओरिजिनल हम लोगों ने फॉग लैंप्स भी इस कार के अंदर लगाए हैं। ये तो सारा हमने आपको बताया, हमने ये सब किया हुआ है, ऐसे किया वैसे किया, इतनी दूर से जो कस्टमर को खींच के ले आए हमारे पास, एक उनसे भी रिव्यू लेंगे और एक आपको जो हमने म्यूजिक लगाया उसका भी एक आपको क्लिप डालेंगे, सो दैट आप फील कर सको कि जो हम म्यूजिक की बात करते हैं हमेशा, म्यूजिक जान होती है। अगर आप गाड़ी से प्यार करते हो तो म्यूजिक अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज हम लोगों की आधी टाइम तो गाड़ी में निकल जाता है। अगर दिल्ली जैसे मैं बात करूँ, ट्रैफिक इतना है, आधा टाइम गाड़ी पे निकल जाता है, और म्यूजिक अच्छा ना हो तो बेकार है गाड़ी चलाना। तो भी एक म्यूजिक का क्लिप फिर कस्टमर का रिव्यू। तो यहाँ पे गाड़ी का काम तो हमने सारा देख लिया, सर बड़ी दूर से हमारे पास आए हैं, एक छोटा सा रिव्यू इनसे लेंगे। और क्या इनको इतनी दूर खींच लाया, इन्होंने हमारे से कुछ नहीं पूछा, मैं सच बता रहा हूँ, बस बताया ये सब कुछ लगाना है। और कोई होता है ना कि अमाउंट रिलेटेड बात, ये नहीं वो नहीं, जो टॉप क्वालिटी का हो, जो आपको पसंद हो वो लगा दो। एक रिव्यू सर, पहले बात आप आए कहाँ से हो, आपका नाम और क्या आपको इतनी दूर से खींच के लाया। मैं 12 राजस्थान से आया हूँ, लगभग 750 किलोमीटर दूर से आया हूँ इस गाड़ी में। सर के वीडियो देखे मैंने और उनको देखते हुए मैं यहाँ पे आया। सर का काम बहुत अच्छा है, इंटीरियर का काम बहुत अच्छा है, आर्म रेस्ट लगवाया मैंने पीछे, उसका काम भी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा? म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे कहने पे हमने जेएल ऑडियो लगाया, रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट बढ़िया है, आउटपुट बढ़िया है, बेस अच्छी आ रही है। इतनी दूर से इधर आना तकरीबन 6-7 घंटे का सफर भी है, वर्थ है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल वर्थ है, मजा आया। एक रिव्यू सर आपको, आपका नाम और एक छोटा सा आपको क्या, आपको कैसा लगा? सर की तो गाड़ी है, आप देखने वाले हो, बिल्कुल आपको देखते हुए कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंकित मेहता है, हम 12 से आए हैं, लगभग 750-750 किलोमीटर दूर से। तो काम बहुत अच्छा है, जो इंटीरियर का काम है, लेदर फिनिश वगैरह जो भी है सब अच्छा है, एसेसरीज का काम भी हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमारे रिव्यूज तो जो भी है ऑल है 10 out of 10 ही रहेगा, मतलब टोटली सेटिस्फाई। हाँ बिल्कुल, टोटली सेटिस्फाई है हम तो। देख हमने तो यूट्यूब पे वीडियो देख के आए थे, तो जो भी है हमारा सब बेस्ट है, मजा आया, बिल्कुल मजा आया। थैंक यू करते हैं सर, थैंक यू।